नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंडअप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बीजापुर का जिक्र करेंगे। नक्सली के 2000 के नोट बरामद किए गए हैं। आवापल्ली क्षेत्र में ये नोट पाए गए, 6,20,000 रुपए के नोट मिले हैं। शंकर और हरवा के पास से ही ये पैसे सामने आए, ये बताया जा रहा है। ये जानकारी ये भी है कि बासागोड़ा LOS कमांडर हैं दोनों, और नोट जमा करने के लिए जो आरोपी यहां पर पहुंचा था वो गिरफ्तार हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी बीजापुर से। नक्सलियों के 2000 के नोट बरामद किए गए हैं। आवापल्ली क्षेत्र में बरामद हुए नोट, ये माना जा रहा है कि नोट बदलने के लिए यहां पर एक व्यक्ति उन्होंने पहुंचाया था, जिसे आरोपी मानकर गिरफ्तार किया जा चुका है। 6,20,000 रुपए के नोट पाए गए हैं। शंकर और हड़मा के बताए जा रहे हैं पैसे। बासागोड़ा LOS कमांडर है दोनों। नोट जमा करवाने के लिए एक व्यक्ति यहां पर पहुंचा था जो कि गिरफ्तार हो चुका है। सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, विस्तार से जानकारी। जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है बीजापुर जिले की ये तीसरी कार्रवाई है। लगातार उस इलाके से जो है 2000 के नोट बरामद हो रहे हैं। आज बीजापुर के आवापल्ली थाना क्षेत्र में जवान जो है आने जाने वाले वाहनों की जब तलाशी ले रहे थे, उस दौरान जो है एक ग्रामीण जो है माओवादियों के एक ग्रामीण जो है जवानों से जो है चपेट में आया, जिसमें करीब जो है 6 लाख रुपया जो है नकदी बरामद किया गया है। 2000 के सभी नोट हैं और उसके साथ साथ जो है 1 लाख करीब जो है खर्च होना बताया है। और आरोपी को पकड़ के पूछताछ की जा रही है, जिसमें पता चला है कि वहाँ के LOS कमांडर की ये पैसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो है बैंक खाते में जमा करने के लिए भेजा था। उसके साथ ही साथ जो है आवापल्ली पुलिस जो है लगातार नोटबंदी के बाद 2000 के नोट जब वैसे बंद हुए उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है, और आरोपी से पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहाँ से जेल भेजा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण जानकारी के लिए। सुकमा जिले के ताड़मिठला गांव के उपसरपंच माड़वी गंगा और शिक्षादूत सुक्का कवासी के नक्सलियों ने हत्या कर दी। उसके बाद से अगवा किए गए सभी ग्रामीणों को रिहा कर दिया गया है। रिहा किए गए ग्रामीण उपसरपंच माड़वी गंगा और शिक्षादूत सुक्का कवासी के शव को लेकर वापस गांव पहुंचे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव में पहुंची। पुलिस से रिहा किए गए ग्रामीणों से पूछताछ भी अब लगातार कर रहे हैं। आदिवासी समाज प्रमुख चिंता गुफा पहुंचे और यहां पर उन्होंने अगवा ग्रामीणों के घर वालों से भी बातचीत की। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। जिला सुकमा के थाना चिंता गुफा अंतर्गत ताड़मेटला पंचायत के उपसरपंच माड़वी गंगा और शिक्षादूत कवासी सुक्का को 8 दिन पहले अगवा किया गया था। दुलेड़ गांव में नक्सली ने जन अदालत लगाकर माड़वी गंगा और कवासी सुक्का की हत्या कर दी थी। एक बार जो सेंट्रल कमेटी के जो बड़े लीडर लोग हैं उनसे हम लोग संपर्क करके मतलब चर्चा करना चाह रहे हैं कि जब भी अगर चर्चा करने का अगर उन लोगों का अनुमति देंगे हम जरूर चर्चा करेंगे कि वैसा दिनों दिन वैसा घटना घटते जा रही है, तो इसलिए बिल्कुल किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हमारे लोग चाहे उधर भी है, इधर पुलिस तरफ भी मर रहा है, उधर नक्सली तरफ भी मर रहा है, इसलिए जब तक है हम फिर यहाँ समाज बन के यहाँ पे रहना क्या मतलब, चाहे जो भी है पर चर्चा करने का काम कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कवर्धा की, जहां पिकअप ने बाइक को टक्कर मार गया। बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही जान चली गई। अनियंत्रित होकर यह पलटी है पिकअप वाहन, उसके बाद अचानक से बाइक सवार भी इस पूरी दुर्घटना के चपेट में आ गया। कुकदूर थाने के पंडरिया बजाग मार्ग की यह पूरी घटना है। कवर्धा से बड़ी जानकारी, पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार युवक उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। अनियंत्रित होकर यह पिकअप वाहन पलट गया, हो सकता है कि तेज रफ्तार में रहा हो। हालांकि ये जांच का विषय कि किस वजह से पूरी दुर्घटना सामने आई है। घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही दर्दनाक हादसा। घटनास्थल पर ही युवक ने दम तोड़ दिया, मौके पर इस व्यक्ति की मौत हो गई। तो गंभीर घटना जिसे लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं। पिकअप वाहन तेज रफ्तार में होने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गया। कवर्धा से अगली बड़ी खबर, जहां पर गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है और ट्रक में गांजे की तस्करी की जा रही थी, ये भी जानकारी। मिनी ट्रक के सहारे गांजे को दूसरे राज्यों में पहुंचाने की कोशिश थी। ट्रक में 15 पैकेट में 77 किलो गांजा रखा गया था। जब्त गांजे की कीमत करीब 8 लाख रूपये। पुलिस को चकमा देकर तस्कर फरार हो चुके हैं। चिल्फी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजे की खेप पकड़ी गई है। यही मिनी ट्रक जिसके जरिए गांजे की तस्करी की जा रही थी। 15 पैकेट में 77 किलो गांजा जब्त किया जा चुका है। अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए।
हालांकि तस्कर अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें तलाशने के लिए पुलिस लगातार मशक्कत करती हुई चिल्फी पुलिस ने कार्रवाई पहुंचा दी। जगदलपुर की बात करेंगे, जहां ट्रक में एक तेंदुए का शावक सवार हो गया। ट्रक के साथ तेंदुए का शावक करपावंड पहुंचा। कांकेर से आए ट्रक में तेंदुए का शावक देखकर सब हैरान रह गए। 6 महीने का तेंदुए का शावक ट्रक में सवार हुआ था। ये तस्वीर यहां देखिए, वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शावक को पकड़ लिया है और उसके बाद तेंदुए के स्वास्थ्य की जांच के लिए फौरन जंगल सफारी भेज दिया है। ट्रक से जगदलपुर के करपावंड क्षेत्र में ये तेंदुआ पहुंचा था। शावक की एक झलक पाने के लिए यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। छब्बीस तारीख से प्रदेश में स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जाने भी लगे हैं, लेकिन स्कूलों में तैयारियां पूरी नहीं है। ये बड़ी बात सामने आ रही है। भले ही सरकार की तरफ से स्कूल खुलने से पहले स्कूलों की मरम्मत के लिए स्कूल जतन योजना चलाई गई हो, लेकिन जिम्मेदार है कि इसे गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। नतीजा, बच्चे परेशान हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं हकीकत, क्या कुछ चल रहा है कांकेर में। ये कोई खंडहर नहीं है बल्कि स्कूल है। कांकेर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर चारामा ब्लॉक के उरकुड़ा गांव के ठाकुरपारा की प्राथमिक शाला। लेकिन हालात आपके सामने हैं। छब्बीस जून से स्कूल खुल चुका है, बच्चे स्कूल आने लगे हैं, लेकिन हालात ये बताने के लिए काफी हैं कि यहां तो पढ़ना मुमकिन ही नहीं। दरअसल सूबे में स्कूल खुलने का समय 16 जून तय था, लेकिन भीषण गर्मी के चलते सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 दिन बढ़ाया और 26 तारीख से स्कूल खोलने की बात कही। इसके साथ ही जतन योजना के तहत 16 जून तक सभी स्कूलों का मरम्मत का काम हो जाना था, लेकिन यहां देखिए 10 दिन और मिलने के बावजूद काम अधूरा है। नतीजा, सभी कक्षाओं के बच्चे इस स्थान पर एक ही कमरे में कबाड़ के बीच भविष्य गढ़ रहे हैं। सर, अब बच्चों का 16 जून से स्कूल प्रारंभ होना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ग्रीष्म अवकाश को बढ़ा के आगे 26 तक छुट्टी की घोषणा कर दी। तो इस स्थिति में 26 के पहले हमारे स्कूल भवन कंप्लीट होना था, पर कुछ कारणवश नहीं हो पाया है। सारी सामान तो पहुंच चुकी है पर नहीं बन चुका है। अब हम एक जो अतिरिक्त कक्ष है वहाँ पे हम सारी बच्चों को एक जगह पहली से पांचवी तक के बच्चों को एक साथ बिठा के जो है ना पढ़ाई करवा रहे हैं। दिक्कत तो है सर, क्योंकि 1 से 5 तक के बच्चे सभी एक क्लास में संभव नहीं है, बैठने का भी दिक्कत हो रहा है। इस स्थिति में जब तक भवन तैयार नहीं होगा तब तक तो हमें एक ही जगह। इसका काम कौन लिया है इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। वहीं जब मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो वे कहते हैं कि कुछ दिन में काम कंप्लीट कर दिया जाएगा और बच्चों को परेशानी नहीं आएगी। लेकिन काम में देरी क्यों हुई, क्यों काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। नहीं, बीओ से मेरी बात हुई है। बीओ का कहना है कि अभी 3 दिन मतलब छत बन गई है, वो उसमें सीमेंट शीट लगेगी तो अभी उसके कारण पानी के कारण रुका है, सैटरडे तक के आज वो कंप्लीट हो जाएगी। भले ही अधिकारी जल्द ही प्राथमिक शाला का काम पूरा हो जाने का दावा करते हैं, लेकिन जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर के स्कूल का हाल जब ये है तो अंदरूनी इलाकों में क्या हालात होंगे इसका अंदाजा ज्यादा मुश्किल भी नहीं। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18, कांकेर। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां नगर निगम ने सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट के बलबूते पूरे ही देश में साथ ही साथ विदेशों में भी अपना नाम कमाया है। यही वजह है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी आयोवा के प्रोफेसर 2 दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे हैं। निगम के कचरा प्रबंधन को समझने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। प्रोफेसर ने बताया कि शहर को साफ रखने का काम शहर के लोग, स्वच्छता दीदी और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, जबकि अन्य शहरों में इसका टेंडर कर ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है।
उसके अंतर्गत इनको जानकारी मिली कि अंबिकापुर में एक मॉडल चल रहा है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और दीदियों के माध्यम से किया जा रहा है, तो उसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए रितु सेन मैडम से संपर्क किए। उसके बाद आयुष मैडम से बात करने के बाद फिर अंबिकापुर इन्होंने 2 दिवस आने का निर्धारण किया। यहाँ आने के बाद ये बेसिकली इनको ये जानना है कि कैसे मतलब अंबिकापुर के लोग ही अंबिकापुर का मॉडल कर रहे हैं। ये इनको एक सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ जो भी स्वच्छता में काम कर रहे हैं वो पूरे के पूरे अंबिकापुर या सरगुजा के ही लोग हैं और यहाँ की दीदियाँ ही मिलकर के काम कर रही हैं, ऐसा इनको और कहीं देखने को नहीं मिला। अंबिकापुर इज सच एन अमेजिंग स्टोरी, द स्टोरी ऑफ हाउ दे केम अप विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड हाउ वेल दे डू इट एंड द आउटकम्स फ्रॉम दिस आर ट्रूली ट्रूली अमेजिंग। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज इट्स अ community generated solution with community support, supported and led by the administrative leadership of the community, like for example the collector, the mayor, the speaker of the assembly, and it has continued so for a very long time. और अब बात कांकेर की करेंगे, जहां के एक निजी अस्पताल में मृतक महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में भर्ती करने के बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, उसकी मौत हो जाती है। आगे जाकर महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट भी की है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। लापरवाही के कारण हुआ भाई, डिलीवरी के बाद में नॉर्मल डिलीवरी करवा रहा हूँ बोला है, और देखो तो इतना बड़ा हादसा करा है वो ऑपरेशन जैसा, और 1.5 बोतल पानी पिला दिया है, ठंडा ठंडा पानी डिलीवरी वाली भाई को पानी पिला दिया है। और इधर कांकेर में एसपी दफ्तर के सामने घर में बुजुर्ग महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। संदिग्ध हालत में लाश पाई गई है, चोट के निशान भी शरीर पर मिले हैं, और उस पूरे मामले को लेकर पुलिस हत्या की आशंका जाहिर कर रही है। शहर कोतवाली के उपनिरीक्षक अजय साहू ने बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में लगातार जुटी हुई, फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चंपा बाई अकेले रहती थी, इनके पति का देहांत हो चुका है। कल रात को सूचना मिली थी कि उनकी बॉडी पड़ी हुई है, संदिग्ध अवस्था में है, दरवाज़ा खुला हुआ है। तब आके टीम ने निरीक्षण किया और मर्ग कायम करके जांच पंचनामा कार्यवाही में लिए हैं। आज सुबह फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड के साथ में घटनास्थल का पुनः निरीक्षण किया गया है। अब बॉडी को पीएम के लिए भेज रहे हैं, उसके बाद जैसे रिपोर्ट मिलती है आगे जो इन्वेस्टिगेशन में आता है उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे अभी हम आए तो एक महिला की लाश दिखाई दी हमें, और ये संदिग्ध अवस्था में लग रहा है। यहाँ पे हमने देखा पूरा क्राइम सीन का और बॉडी का अवलोकन किया, तो हमें संदिग्ध लग रहा है, और इसमें एक हमें डीप वुंड दिखा मृतका के बाएं कान के नीचे, और उसी के हिसाब से हमारी पुलिस के साथ जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इधर जगदलपुर में आदिवासी महिला से गैंगरेप मामले को लेकर जांच के लिए बस्तर एसपी ने 2 टीमों का गठन कर दिया है। जिले के मारडूम थाना के सतसरपुर गांव के पूरे मामला शौच के लिए जहां महिला निकली, दरिंदर ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। पीड़िता के बयान के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है, और अब ये टीम मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। इस घटना गंभीर है और इस पर संज्ञान लेके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें अलग अलग टीम्स तैनात की हैं, और सभी टीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, सभी एंगल पे, लोकल एंड पे भी और तकनीकी साक्ष्य सभी पर हम मदद ले रहे हैं, और यथाशीघ्र प्रयास करेंगे केस में आरोपियों को हम। और अब बात बलौदाबाजार की करेंगे, यहाँ शिवनाथ नदी में नहाने गया एक युवक लापता हो गया है। आशंका ये जाहिर की जा रही कि युवक नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया होगा। पुलिस को नदी के घाट के पास युवक के कपड़े मिले हैं, इन कपड़ों में से युवक का आधार कार्ड और पर्स पाया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी। 12:30 बजे एक व्यक्ति नदी में डूब गया है, और तेज बहाव था जिसमें उसको बचाने की कोशिश किया गया, लेकिन वो कहीं पता नहीं चल रहा है। तब मौके पर तत्काल पुलिस आए और ग्रामवासियों के साथ मछुआरों की मदद से आसपास तलाश किए, कहीं पता नहीं चल पाया। बाद में पता उसके जो नहाने के लिए कपड़ा उतारा था तो उसका आई कार्ड मिला, जहां पे उसका नाम आज़ाद अग्रवाल निवासी खरसिया का होना पता चला। तो
और अब रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सट्टे के खेल में 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। महादेव ऐप सट्टा के लिए बैंक खाता ये दिया करते थे। आपको बताएं कि 6 पासबुक, 13 एटीएम कार्ड और 2 मोबाइल जब्त हो चुके हैं। खाता धारकों को 2,000 रुपए दिए जाते थे। खमतराई पुलिस की बड़ी कार्रवाई और लगातार महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और इसी सिलसिले में कार्रवाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। राजधानी रायपुर सहित अन्य जिलों से भी धरपकड़ लगातार चल रही है। सट्टे के खेल में 14 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। महादेव ऐप सट्टा के लिए बैंक खाता दिया करते थे। 6 पासबुक, 13 एटीएम कार्ड और 2 मोबाइल जब्त हुए हैं। खाता धारकों को 2,000 रुपए दिए जाते हैं। इस पूरी बात का खुलासा पुलिस की पूछताछ में हुआ है। आगे भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। बड़ा नेक्सस हो सकता है जिसे ध्वस्त करने के लिए पुलिस की टीमें छत्तीसगढ़ में लगातार प्रयास कर रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा दुर्ग से भी गिरफ्तारियां हुई हैं, बिलासपुर तक भी तार पहुंचे हैं, अन्य राज्यों तक भी तार पहुंचे थे। इसे लेकर लगातार कार्रवाई का सिलसिला पुलिस की तरफ से जारी। और एक बार फिर से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि महादेव सट्टा ऐप के लिए अपना बैंक खाता दिया करते थे। 2,000 रुपए जिसके एवज में इनको मिल रहे थे। अन्य कई बड़े खुलासे पुलिस की पूछताछ के दौरान हो सकते हैं, इस तरह की भी आशंकाएं। लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा नेटवर्क है और पुलिस के लिए इसे ध्वस्त करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि परत दर परत कई बड़े खुलासे, हर एक व्यक्ति जो कि इसकी जद में आया है और गोरख धंधा ये लगातार चल रहा है उस पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस तमाम मशक्कत करती थी। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से महादेव ऐप सट्टा के लिए बैंक खाता दिया करते थे। सहयोगी युगल से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। युगल, क्या कुछ जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर अभी तक? देखिए, महादेव जो ऑनलाइन सट्टा है, बेटिंग ऐप है, उसके माध्यम से सट्टा खिलाने का कारोबार है, चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली तो उस पर कार्रवाई की गई है। 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये वो आरोपी है जो महादेव ऑनलाइन सट्टा के लिए बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे। लोगों का ट्रांजैक्शन इसी से होता था, रकम इसी से आता जाता था और इन खाता धारकों को 2,000 रुपया खाता देने के एवज में जो इसके जो बुकिंग है वो दिया करते थे। पुलिस ने 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और उनके पास से मोबाइल, एटीएम, बैंक के पासबुक भी जब्त किए हैं और लगातार पुलिस है वो इस तरह से ऑनलाइन जो सट्टा जुआ खिलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं लगातार पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। सट्टे के खेल में 14 आरोपी एक बार फिर से धराए हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई निरंतर जारी रहने वाली है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।